सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक खैर ही खैर, यानी भलाई ही भलाई का महीना है। दिन का रोज़ा हो या रात का क़याम, इस महीने में खर्चा करना जहाद में खर्चा करने की दर्जा रखता है। जहाद में खर्चा करने क्या दर्जा रखता है। अब खर्चा के बहुत सारे माना होते हैं ना, अपने घर वालों के ऊपर खर्चा करना, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत पर खर्चा करना, गरीबों के ऊपर खर्चा करना, ज़रूरतमंदों के ऊपर खर्चा करना। इस मुबारक महीने में जो भी आप खर्चा करते हैं तो वो जहाद का दर्जा रखता है आपका खर्चा। और फिर हमेशा फरमाया करते थे कि मुबारक महीना ऐसा मुबारक महीना है, ऐसा मुबारक महीना है जिसमें रात की इबादत करना और दिन में रोज़े रखना और तमाम भलाइयाँ, और हमें भलाइयाँ इस मुबारक महीने के आने से मिलते हैं, यानी करम नवाजियाँ देखो अल्लाह तबारक व ताला की, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और सहाबाए कराम के फरमानों के ऊपर अमल करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या खूब फरमाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करें अल्लाह तबारक व ताला के फरमानों पर अमल करने की, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने के लिए, और आले बैत की फरमानों के ऊपर और सहाबाए कराम के फरमानों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमें मज़ीद तौफीक देगा अच्छे अच्छे काम करने की, नेकी करने की, और हमें ख़ुद की और दूसरे दोस्तों भाइयों अजीज़ों क़ारिबों की, आलम इस्लाम की, उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सलाह करने की तौफीक देगा। अपने टूटे फूटे अल्फाजों से जोड़ तोड़ कर मिल मिला कर नेकी करने की कोशिश करें। इनका अभी आँखें खुले हुए हैं, अभी ज़िंदा है हम तो इनका एहसास हमें पता नहीं चल रहा ना, लेकिन जब ये आंखें बंद होंगे, इस दुनिया में फ़ानी से हम रुखसत करके चले जाएंगे, रहलत करके चले जाएंगे, फिर हमें इन छोटी छोटी नेकियों की बहुत याद आएगा और बहुत अफसोस होगा कि काश मैं ये काम करता, काश मैं ये करता, काश ये मैं करता। तो उससे बेहतर है बात की परेशानी से अभी से मेहनत करें, अभी से कोशिश करें, अपनी इसलाह करें, अपनी बहन बेटियों की इसलाह करें, अपनी बेटी बेटों की इसलाह करें, अपने फैमिली की इसलाह करें, महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की इसलाह करें, और ख़ुद भी अपनी इसलाह करें, और इंसानियत का दर्द रखते हुए पूरी इंसानियत का इसलाह करें, जिसमें मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। आप समझते हैं कि गैर मुस्लिमों का इसलाह कैसे होता है, उन्हें दीन की दावत दो, उन्हें इस्लाम की तरफ लाने की दावत दो, और उनके सामने हक और सच जो है वो बयान करो, बयान करने से घबराओ नहीं। और आप ये ना सोचें कि सामने वाला गैर मुस्लिम है, हिंदू है, किसी और कौमियत से ताल्लुक़ रखता है, किसी और उससे रबता है, उसका ताल्लुक है, आप ये ना सोचें, आप इस्लाम पहुंचाने की कोशिश करें उन तक, आप इस्लाम की बात उन्हें बताने की कोशिश करें, आप अपने हिस्से का काम करें, अल्लाह तबारक व ताला आपको आपके काम हिस्से के काम का अजर देगा, और अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी ज़रूर होगा, उस पर मेहरबान इंशाल्लाह ज़रूर होगा कि जिस पर आप काम करेंगे, और वो जहन्नम से अल्लाह तबारक व ताला उसे ज़रूर छुटकारा देगा, वो कलमा पढ़ेगा, मुसलमान होगा, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारेगा ना, तो फिर उसे पता चल जाएगा कि वो जन्नत में आ गया है, दुनिया के अंदर जन्नत में आ गया। अगर दुनिया के अंदर तुम जन्नत ढूंढना चाहते हो, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला के फरमानों पर अमल करना, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर ज़िंदगी गुजारना, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए ये जन्नत है, जन्नत से भी बढ़कर है।
اے میرے غیر مسلم برادرو، اے میرے آدم کے اولادو، او میرے پیارے سنےو، تم بھی اسلام کی سرچ کرو، تم بھی اسلام کو پڑھو، تم بھی اسلام کو سمجھو، اسلام تمہارے حق میں بہتر فیصلے کرتا ہے، اسلام تمہیں دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے کے اچھے اچھے مواقع میسر کر رہا ہے، تمہیں درس و تدریس دے رہا ہے، تمہیں دنیا اور آخرت میں مقام دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شان دے رہا ہے، میرے پیارے دوستو دنیا اور آخرت میں تمہارے بیڑے پار کر رہا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ پورے عالمین کے لیے ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ مسلمان ہندو تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ محسن انسانیت ہے۔ میرے سونا نبی چاہتا ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھو، تم بھی دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ رہو، دنیا اور آخرت کی ذلت سے، بربادی سے، تباہی سے، آگ سے، جہنم کی محفوظ رہو، اور جنتوں میں، اعلیٰ مقاموں میں گزارو اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ہمت دے اور توفیق دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اچھے کام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اپنی پیارے رب کی فرمانوں پر اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔